वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना बीमारी के कारण उत्पन्न इस विकट स्थिति में स्वास्थ्य व अन्य विभागों के साथ पुलिस भी अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहकर बिना अपने घर परिवार की चिंता किए अपने कर्तव्य को ही सर्वोपरि रखते हुए उसका निर्वहन कर रही है। इस मुश्किल घड़ी में पुलिस इस चुनौतीपूर्ण ड्यूटी को निरंतर रूप से कर सके तथा कोरोना वायरस से सुरक्षा एवं बचाव करते हुए पुलिस अपना कार्य निर्बाध रूप से करती रहे, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में डीआरपी लाइन इंदौर में पुलिस कर्मियों एवं पुलिस परिवारों के लिए पुलिस वेलफेयर सेंटर की महिला आरक्षकों के द्वारा मास्क तैयार किए जा रहे हैं। इन महिला आरक्षकों द्वारा दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए निर्धारित मापदंड के अनुसार कॉटन के डबल लेयर मास्क सिलकर तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें प्रत्येक थाने व कार्यालय के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही पुलिस परिवारजन को भी निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। महिला पुलिस कर्मियों द्वारा जो कड़ी मेहनत करके इंदौर पुलिस की सुरक्षा के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उसकी पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन विवेक शर्मा द्वारा सराहना करते हुए प्रत्येक महिला पुलिसकर्मी को 1,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत करते हुए इन सभी का उत्साहवर्धन करते हुए सभी को कोरोना फाइटर की उपाधि दी गई है। हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है क्योंकि ये हम लोगों की बचाव के लिए बनाए हैं, तो उसके लिए इसका बचाव होना भी ज़रूरी है। इसलिए हम अपने हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क और सभी तरह से खुद बचाव संबंधी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, गर्म पानी का भी यूज़ करते हैं और हमें यहाँ पर से केटल भी उपलब्ध करवाया गया है जिसमें हम हर 2 घंटे में पानी गर्म करके पीते हैं और हमारे द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा रखी जाती है। मास्क बनाते समय हम लगभग 30 लड़कियां ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं, जहां पर 3 शिफ्ट में काम होता है। हर शिफ्ट में 8-8 लड़कियों को बांटा गया है। हमारे द्वारा लगभग 16 से 16,500 तक मास्क बनाए जा चुके हैं। मैं खुद एक दिन में 250 मास्क बनाती हूँ। एक दिन में हमारे द्वारा 1,000 से 1,500 मास्क बनाए जाते हैं। इसमें हमारी मदद आरआई सर द्वारा, किसी भी चीज़ में हमें किसी चीज़ की हेल्प होती है तो आरआई सर सुबेदार मैम इसके लिए तत्पर होते हैं। हमें किसी भी चीज़ की समस्या यहाँ पर नहीं हो रही है, बस हम मन लगाकर काम करते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि हम उन लोगों के लिए यहाँ पर बैठ कर इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत अप्रिशिएशन मिलती है सबके द्वारा। ट्रेनिंग से आते से ही हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम देश के लिए कुछ कर सकें, तो हम बहुत खुश हैं इस काम को करकर। इसी के साथ आरआई सर के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारी जो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, समय समय पर हमें बताते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है और हम सभी लोगों की बहुत इस कार्य के द्वारा मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही जब कोई भी अगर इस जोन में एंटर करता है तो उसके लिए पहले ही उसका टेम्परेचर बाहर नाप लिया जाता है, अर्थात सब चीज़ों से लेकर हम सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हर तरह से सैनिटाइज़र यूज़ किया जा रहा है, मास्क का यूज़ हो रहा है, ग्लव्स का यूज़ हो रहा है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, हम चाहते हैं कि इसमें हम आप सब भी हमारी मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अभी ट्रेनिंग करके आई हूँ और ट्रेनिंग करने के जस्ट बाद ही हमें मास्क बनाने का टास्क दिया गया, जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं और हमारे पूरा ध्यान भी दिया जाता है, जैसे गर्म पानी का और ग्लव्स का और मास्क का पूरी ध्यान से सैनिटाइज़र लगा के हम मास्क बनाते हैं। हम यहाँ पे करीब 21 तारीख से काम कर रहे हैं और सुबह से 8 बजे से 2 बजे तक लड़कियाँ रहती हैं, उसके बाद फिर 2 बजे से लेके 9 बजे तक हमारा शिफ्ट रहता है। हम करीब एक दिन में सभी लड़कियाँ मिला के 1,000 से 1,500 मास्क बना लेते हैं। मास्क बनाते हैं, उसका सावधानीपूर्वक ध्यान देते हैं और यह मास्क हम अपने स्टाफ और पुलिस परिवार के लिए बना रहे हैं जो बाहर ड्यूटी कर रहे हैं अस्पतालों में और फील्ड में, उनके लिए हम मास्क को तैयार कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।